नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम कक्षा 10 का विज्ञान अंशाल्ब भाग 3 सेट 3 नंबर तक बता चुके थे, आज हम आप लोगों के बीच सेट नंबर 4 2023 का 824 EM लाए हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी के। हम क्या सॉल्व करेंगे, विज्ञान में भाग 3 जीव विज्ञान सॉल्व करेंगे। तो हम भाग 3 तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर क्या उपखंड 3 है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो आप जानते हैं कि जो जल होता है और खनिज लवण का अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका जाइलम सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी BP होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में जो सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, कितना होता है, 120/80 होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं, इसके कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों का एक लक्षण व्यक्त करेगा। तो आप जानते हैं जीनोटाइप जो लंबे होते हैं कैपिटल टी होते हैं, और जो झुर्रीदार होते हैं वो स्मॉल आर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो आप सभी जानते हैं जो जठर ग्रंथियां होती है वो हमारे आमाशय में उपस्थित होती हैं। आइए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं पाचन क्रिया क्या है। तो आपको बताया गया है कि ग्रहण किए गए ठोस जटिल अघुलनशील अणुओं को तोड़कर सरल घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब आपको क्या पढ़ना है, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए इसका सचित्र वर्णन करने चलते हैं। तो मानव पाचन तंत्र में आप देखेंगे पहला क्या है, आहार नाल है, मुख है, क्योंकि मानव पाचन तंत्र जो होता है मुख से ही प्रारंभ होता है। तो आहार नाल देखेंगे, आहार नाल मुख से गुदा तक फैली एक लंबी नली होती है। आहार नली में कर्मकुंचनगत होता है। आहार नली को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, मुख। मुख आहार नली का मुख द्वार है, जो मुख को मुख गुहा भी कहा जाता है। मुख का कार्य भोजन का अंत ग्रहण करना। अगला है ग्रसिका, ग्रसनी मांसपेशियों से बनी एक लंबी नली होती है। ग्रसनी मुंह को आमाशय से जोड़ती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गत करके सही ढंग से पचाने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए आवश्यक है। आप देख रहे हैं यह पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र का फिगर है। आप लोग आसानी से देख, ये देखिए माउथ है, माउथ में जीभ होता है, दांत होते हैं, ग्रसनी है, ग्रसनी यहाँ है, ये ग्रास नली है, ये आमाशय है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये मलाशय है, ये गुदा द्वार है। आइए देखते हैं आमाशय। आमाशय की आकार एक बैग की थैली की तरह होता है। आमाशय की पेशी भित्त अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। पाचक कार्य आमाशय की भित्त में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम से तैयार होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। एक वयस्क मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। बड़ी आंत, बिना पचा हुआ भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत तक पहुंचाया जाता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग है। इसके द्वारा अनुपयोग या बिना पचे हुए पदार्थ का परिक्षेपण गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकलन, दो पर टिप्पणी लिखना है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे विखंडन है, विखंडन एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन करने की एक सामान्य प्रक्रिया है। अगला है पुनरुद्भवन, बहुत से विभेदित जीवों में अपने शरीर के किसी भी भाग से नए जीव को विकसित करने की क्षमता होती है। अर्थात यदि जीव का किसी कारण छत बिछत हो जाता है तो इसके प्रत्येक भाग से नए जीव विकसित हो जाता है, जैसे प्लेनेरिया एग्जाम्पल में है। मुकलन है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीवों के शरीर में एक बाह्य वृद्धि होती है और मात्र जीव से अलग होकर नए जीव में विकसित हो जाता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है,
देखिए ये आपको सिलेबस में नहीं है, जीवाश्म किया है, वैकल्पिक यानी गैर परंपरागत आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए आपको नहीं पढ़ना इसका अथवा पढ़ना है पौधों में जल खनिज लवण में भोजन का परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, पेड़ पौधे स्वपोषी जीव होते हैं, ये मिट्टी के से जड़ के मूल रोह द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले खनिज तत्वों का पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए पादप परिवहन तंत्र होता है। यह तंत्र दो प्रकार की वाहिकाओं द्वारा होता है, जाइलम वाहिकाएं। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पौधों में जड़ों से पत्तियों तक फैला होता है। यह मुख्य रूप से जल के परिवहन में सहायक होता है। यह जल में घुलनशील पोषक खनिज तत्वों के जड़ों से पत्तियों तक परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पानी का परिवहन एक ही दिशा में करता है। पानी का वाष्पीकरण रंध्रों के द्वारा होता है। जाइलम के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जैसे ट्रेकिया वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है। फ्लोएम वाहिकाएं, पत्तियों से बने कार्बनिक भोज पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम की भी एक संवहनी ऊतक पौधे में जहाँ जहाँ भोज पदार्थ की आवश्यकता होती है वहाँ पर यह फ्लोएम द्वारा ही पहुँचाया जाता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण से बने फ्रूट मटेरियल को पत्तियों से जड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। फ्लोएम विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जैसे चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। इस प्रकार आप लोगों का कक्षा 10 का सेट नंबर जो 4 है विज्ञान का भाग 3 समाप्त होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2023 का सेट नंबर 5 बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।